तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें बेसिकली क्या है कि अब देखो, एक हॉर्स राइडर है, वो हॉर्स राइडिंग तो करता है, लेकिन कुछ जर्नी है, ये डेस्टिनेशन है। चलो बना लेते हैं, ये तुम्हें समझाने में आसानी होगा। तो ये वाली हॉर्स राइडिंग, ये पॉइंट ए है, और ये जो पार्ट बी है वो इस जर्नी का मीड पॉइंट है। मतलब ये अगर एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ए भी एक्स है और ये पॉइंट सी है। तो ये कहता है हाफ ऑफ डिस्टेंस, जो हाफ डिस्टेंस है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चला है, और दोबारा जो दो ये जो डिस्टेंस है वो 2 इक्वल टाइम में चला है। मतलब अगर इसको बी से ये सी डैश तक आने में टाइम टी लगा है, तो यहाँ भी टाइम टी लगा है, और ये पूरा डिस्टेंस ध्यान रखना है, ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, और यहाँ पर स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ दूसरे इक्वल टाइम में यहाँ पर स्पीड वो है 15 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो डिस्टेंस कम चलेगा, ये वाला 15 मीटर पर सेकेंड है। तो अब हम तुम देखोगे तो ये कहते हैं कि एवरेज स्पीड टोटल जर्नी में x/7 है, तो x की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन इरोडोम में था यार, समझ रहे हो। तो अगर तुम बात करोगे इसका एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की अगर वैल्यू निकालोगे ए से सी तक, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस मतलब 2x/टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना होगा, टाइम ए से बी तक और प्लस उधर जो टाइम लगा है 2t। ये हमारा लॉजिक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टाइम ए से बी तक निकालता हूँ, तो टाइम ए से बी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन 5, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे रहने देता हूँ। अब यहाँ से देखोगे ये जो टाइम है वो यहाँ से टाइम, तो टाइम टी की जो वैल्यू आ जाएगी, टाइम टी, ये वाला डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो चलो डिनोट कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बी से सी डैश वो x1 मान लेता हूँ, और ये जो डिस्टेंस है सी डैश से सी वो x2 मान लेता हूँ, ये x2, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x2। ठीक है, तो यहाँ से जो टाइम टी, अगर पूरा डिस्टेंस देखोगे यहाँ, तो यहाँ से पूरा डिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी एक्स, वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो इस एक्स की वैल्यू x1+x2 के इक्वल हो जाएगी, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम t1, तो स्पीड v2 टाइम t, ये वाला। तो अब जो स्पीड देखो, पहला जो स्पीड था वो कितना था, 10t+15t, मतलब ये आ जाएगा 25t, दैट इज एक्स। तो यहाँ से जो टी की जो वैल्यू आ जाएगी x/25, तो x/25 t टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम इनको जोड़ दो भाई, तो टोटल टाइम TAB+2 टाइम्स t इज इक्वल टू TAB, मतलब x/5 और +2x/25। तो यहाँ से 5 नीचे ऊपर ने मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x/25, दैट इज टोटल टाइम। तो अगर तुम देखोगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x था, और टोटल टाइम 7x/25 ऊपर चला गया, तो ये पूरा कट गया, मतलब 50/7, दिस इज द एवरेज स्पीड। तो इतना मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड होगा। अब जो न्यूमेरिकल है उसमें देखो, एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, एवरेज स्पीड अपना कितना आया भाई, तो अपना आया, अपना जो एवरेज स्पीड आया वो 50/7 है, और इन्होंने दिया हुआ है x/7, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 50 होनी चाहिए। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।